नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2018 की तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी पीके पांडे और एसएसपी बबलू कुमार द्वारा कलेक्टर परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2018 की घोषणा 26 अप्रैल को कर दी गई थी, जिसके विषय में जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल शाम को निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जो शेड्यूल है वो 3 तारीख को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी, 3/5/2018 को, 11/5/2018 को अंतिम डेट होगी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की। इनकी जांच 11/5/2018 को होगी, वापसी 14/5/2018, मतदान का दिनांक 28/5/2018 और मतगणना का दिनांक 31/5/2018। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के विषय में एसएसपी बबलू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ताकि जो है जितने भी बैनर पोस्टर आदि लगे हुए हैं उनको हटा दिए जाए और अपने काम पे जो उस एरिया में जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, चुनाव सेल हमारा बन गया है, गठन हो गया है। अब ये है कि जितनी हमारी सेंटर्स हैं, बूथ्स हैं, उनका एनालिसिस करीब करीब हमने पहले भी कर रखा है और जैसे जैसे कैंडिडेट बढ़ते जाएंगे, जो नॉमिनेशन आते जाएंगे उसके आधार पर जो है हमारी सेंसिटिविटी भी चेंज होती रहेगी। बट हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स का आकलन कर लिया जा रहा है और बाहर से हमें सिविल पुलिस, सीपीएमएफ और पीएसी भी मिल जाएगी। सहारनपुर में 26 अप्रैल से पंडित चूड़ामणि जी द्वारा सुंदर कांठ पाठ और सत्संग कराया गया। 27 अप्रैल की सुबह विशाल हवन कुंड में पंडित आत्माराम जी द्वारा श्रद्धा पूर्वक हवन कराया। इस अवसर पर स्वामी तुरयानंद ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय खन्ना, कोषाध्यक्ष बिहारी लाल, महासचिव ओम प्रकाश अरोड़ा, संयुक्त सचिव सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सहारनपुर में आज नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए लाइसेंस शुल्क को वापस लिए जाने को लेकर बसपा के सभी पार्षदगण नगर निगम द्वारा व्यापारियों और रेहड़ी वालों पर बढ़ाए गए लाइसेंस शुल्क का विरोध करते हुए नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। आज हम सभी बहुजन समाज पार्टी के पास नगर महोदय के पास आए थे। जो लाइसेंस शुल्क बढ़ाया गया है, हम सभी पार्षदों ने इसका विरोध किया है और एक ज्ञापन देकर के मांग की है कि जो लाइसेंस शुल्क है वो तुरंत वापस किया जाए। अगर नगर निगम ने ये लाइसेंस शुल्क वापस ना लिया तो बहुजन समाज पार्टी के पार्षद आंदोलन करेंगे, धरना देंगे और बोर्ड की बैठक में भी हम प्रस्ताव लाएंगे और हमें उम्मीद है कि सभी पार्षदों का इसमें सहयोग होगा। सहारनपुर के व्यापारियों के हितों के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी रही है हमेशा से और आगे भी खड़ी रहेगी। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।